गुड मॉर्निंग, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं और आपकी मॉर्निंग सीरीज DSSB मॉर्निंग न्यूज में स्वागत है। चलिए आज मैं आप सब लोगों को एक रियल हीरो जिसको बोलते हैं इंडिया का, जिसने वर्ल्ड में फतेह प्राप्त की बुधवार को, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। आप भी ऐसे ही बन सकते हैं, ऐसे ही कारनामे कर सकते हैं अगर आप में जुनून है तो। फिर बात करेंगे DSSB जो भी घटनाचक्र हुआ कल उसके बारे में। फिर अंत में हम आपको UPSC में कुछ वैकेंसी निकली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं रियल हीरो कौन होता है, जो अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता है। मैंने कई बार कहा है कि आदमी वही है जो अपनी वीकनेस का रोना न रोए और अपने काम को सुचारू रूप से करे। जैसे एक ये सत्यरूप सिद्धांत जी हैं पश्चिम बंगाल के, ये अस्थमा के रोगी थे। मैं इनके बारे में बताता हूँ आपको क्या था क्या नहीं था। बचपन में सत्यरूप अस्थमा के कारण इन्हेलर के बिना 100 मीटर चलने में भी हाँफ जाते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप से हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और 7 वर्ष तक पर्वतारोहण का कोर्स किया और उसमें कामयाब रहे। और इन्होंने 7 पर्वत और 7 ज्वालामुखी चोटी को छुआ। अब इनके बारे में विस्तार से हम बात करते हैं कि क्या किया, कौन है ये, कहां से हैं, और उन्होंने कौन कौन से पर्वत की श्रेणी को छुआ। चलिए बात करते हैं सत्यरूप सिद्धांत की। पश्चिम बंगाल के सत्यरूप सिद्धांत ने बुधवार सुबह माउंट सिडेल जो साउथ अफ्रीका में है फतेह कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ वे 7 पर्वत चोटियां और 7 ज्वालामुखी फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय शख्स बन गए हैं। महज 35 साल 9 महीने की उम्र में 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पर्वतों को फतेह करने वाले पर्वतारोही के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल कर लिया गया है। उन्होंने बुधवार को सुबह 6:28 पर 7वें ज्वालामुखी पर्वत माउंट सिडले को फतेह किया। वहां पर सत्यरूप ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गान गाया और केक काटा और राष्ट्रीय गीत भी गाया। तो ये होता है जज्बा। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। यानी कि जो अस्थमा का पेशेंट है वो कभी सोच सकता है कि पर्वत पर पहुंच जाएगा, और वो भी 7 पर्वत 7 ज्वालामुखी, इम्पॉसिबल। परंतु उन्होंने उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मेरा बोलना है कि इम्पॉसिबल इज टेलिंग आई एम पॉसिबल। अब हम बोलते हैं, हम बताते हैं आपको कि वो कौन कौन से पर्वत हैं जो उन्होंने फतेह किए। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, समझ गए आप? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एल्ब्रस रूस में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। अकाकागुआ अर्जेंटीना में स्थित दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में एशिया की सबसे ऊंची चोटी, जानते होंगे इसको तो। माउंट कोजियस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। माउंट विंस मैसिप अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये इनके 7 पर्वत थे और साथ ही इनके ज्वालामुखी हैं जो इन्होंने फतेह किए हैं। तो ये होता है जज्बा। अगर आप में ये उत्पन्न हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो इन्होंने 7 पर्वत किए हैं, आप जितने बड़े 7 एग्जामिनेशन होते हैं हमारे इंडिया में उसको फतेह कर सकते हो। एक बार शुरू तो करो, जिस दिन शुरू कर दोगे उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो ये था एक रियल हीरो सत्यरूप सिद्धांत, इनको मेरा नमन है, हैट्स ऑफ एंड थैंक यू और सलाम। चलिए इनके लिए मैं प्रे करता हूँ कि ये और भी बुलंदियों को छुएं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी ऐसे ही कारनामे करें। चलिए अब बात करते हैं हम DSSB में क्या हुआ कल। DSSB में फिर वही बात दोहराई गई
TGT बंगाली में फीमेल UR में जो एक सीट थी उस पर कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, तो वो पोस्ट ऐसे ही चली गई, नेक्स्ट टाइम आएगी। ऐसे ही फिजिक्स में हुआ था, फीमेल में 12 पोस्ट ऐसे चली गई थी। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कल एक नोटिस आया था, वो था पैट ऑफ वार्डर दिल्ली प्रिजन के लिए। तो ये दो चीज थी कल दिल्ली DSSP में। अब हम बात करते हैं आपकी जो UPSC में बहुत अच्छी पोस्ट आई है संघ लोक सेवा आयोग में, उसकी हम बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने विभिन्न श्रेणी के पदों पर कुल 358 रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर और सीनियर लेक्चर सहित अन्य नियुक्तियां होंगी। आयोग ने इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कुल पद हैं 358। योग्यता है पदों के अनुसार MBBS, MD, MS अथवा संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। आयु सीमा है अधिकतम 55 वर्ष और मिनिमम 32। आवेदन शुल्क ₹25। SC ST दिव्यांग और महिलाएं निःशुल्क। चयन प्रक्रिया, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू से पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट का आयोजन भी किया जा सकता है अगर ज्यादा स्टूडेंट हैं या छात्र हैं। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2019। वेबसाइट आप जानते ही हैं www.upsc.gov.in। ठीक है, अब फिर एक और अच्छी आपके लिए खबर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सीनियर इंजीनियर के 10 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। ये पद 3 वर्ष के अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। इसमें बंदा BTEC अथवा MTEC की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क है ₹500 और डाक से इसको भेजा जाएगा। अंतिम तिथि है 27 जनवरी 2019। वेबसाइट है www.bel-india.in। तो ये आज मॉर्निंग का बहुत ही अच्छा सेशन था। चलिए इसको यहाँ पर समेटते हैं, फिर मिलेंगे एक नए जोश, एक नए जीर, एक नए हीरो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।